अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये जी मैं अपने भतीजे के घर आई हूँ और उनका जी किचन ये देखें जी, हांडी रोटी पक्की पई है ते सानू ऑफर है कि खा के जायो। और बड़ी अच्छी जी ये हांडी रोटी बनती है। मेरी बड़ी जिठानी उनके घर में बड़ी मज़े की जी वो बनाती हैं। और किचन देखें, छोटा सा है लेकिन साफ़ सुथरा। ये देखें जी, इन कैबिनेट्स में बर्तन पड़े हुए हैं। ये वाले जी हार्ड पार्ट, छोटे से किचन में सब कुछ ही उन्होंने मैनेज किया हुआ है। ये देखें ऊपर भी, ये जी ये जी उसकी बेटी खेल रही है, ये मेरे भतीजे की बेटी। ये जी चाल क्या कर रही हैं आप? मैं खेल रही हैं। ये टॉयज हैं आपके, कितने ज़्यादा हैं और बास्केट में रखे हुए हैं, माशाल्लाह। और आगे आपकी साइकिल है, वाह जी वाह, चला लेती हो हैं। ये जी हम जिधर आए हैं, इतने अच्छे पौधे लग रहे हैं इनके, इतने फालतू हो गए हैं इनके गली में भी पौधे, बहुत अच्छी ये सब्जी है। बड़ी सोच, अच्छा लगना चाहिए गली को भी, साफ सुथरा। और इनकी एंट्रेंस में भी देखें, बोतलों में पौधे, कोक में पौधे, हर किस्म के प्लांट्स। ये जी खाने पीने की सारी चीज़ें हम जिनके घर आए हैं, अपनी भांजी के घर। ये क्या कुछ है मुझे खुद नहीं समझ आ रही कि इसमें बंदा खाए क्या और छोड़े क्या, सारा ही दिल कर रहा है खा जाए स्ट्रॉबेरी। हाँ जी सब ही खा के जाऊंगी, और क्या, ऐसे थोड़ी जाऊंगी। माशाल्लाह से जी अल्लाह ताला इनके रिज़क में बरकत डाले और सब। ये जी इधर हमारा पड़ा हुई थी बर्तनों वाली अलमारी, तो वो हमने अब उठा ली है क्योंकि जगह इधर तंग है। तो ये सारे बर्तन वगैरह भी बिखरे हुए हैं, इनको करना है सेट। अलमारी को रख दिया है। और ये आसिया भी कह रही है कि लिविंग रूम को मैं कर लूँ साफ, तो फिर आप रखिए ये घर बर्तन। अब है सुबह की रूटीन ही ये सारा भी हो रही है। अलमारी इधर आ गई है जी, इधर इसकी इधर जगह बन गई है, इतनी लाइट। अभी बर्तन से साफ करके तो फिर इसमें रखेंगे इंशाल्लाह। आसिया के ख्याल है, ठीक है? ठीक है जी, ठीक है जी, जी थोड़ी मर्जी है, ठीक है साड़ी जी मर्जी। ये जी टेबल आ गया, अब इधर ये ऐसे हो गया, ये कोने में आ गया टेबल, ऐसे फिट हार्ट होगा लगता है, जैसे इधर ही पड़ा हुआ था पहले से। ये जी होगी लिविंग रूम की सेटिंग, ये लैंप, और ये जी हमने ये सोफा इधर रखा है। और अभी दिखाती हूँ मैं आपको बर्तन जो अलमारी में हमने इस साइड पे ले आए हैं घर में, तो इसमें बर्तन सेट हो गए ये वाले जी, ऐसे सेटिंग हो गई है इनकी, अच्छे लग रहे हैं। कभी कभी चीज़ों को इधर उधर उलट पुलट करते रहें तो फिर सफाई भी अच्छे तरीके से हो जाती है। अगर एक जगह पे पड़ी रहे तो फिर ना डस्टिंग होती है ना सफाई होती है, ऐसे ही होता है।
और ये ठीक लग रहे हैं, अभी साफ भी अलमारी भी साफ होगी। ये जी हम चिकन स्टीम रोस्ट बना रहे हैं और ये न्यू स्टाइल का है, आप भी समझेंगे कि ये जी पानी में बन रहा है। ये इसका यही तरीका है, इसमें हमने चाट मसाला, नमक, ऑयल और बस यही चीज़ें, खुश्क धनिया ऐड किया और इसको 5 मिनट के लिए हमने कुकर को बंद किया था और 2 कप पानी डाला। ये इसमें 8 बड़े पीस हैं चिकन के ये वाले, तो अभी ये बस इसका हो जाएगा जी पानी खुश्क, तो फिर एंड में इस बहुत ही नरम और बहुत ही अच्छा ये बनता है जी, आपको दिखाती हूँ मैं इंशाल्लाह जी फाइनल। ये जी प्याज लहसुन भी काट के रखे हुए हैं, अभी दाल भी बननी है क्योंकि कुछ बच्चे नहीं खाते जी चिकन और कुछ दाल नहीं खाते इसलिए। और ये जी सब्जी मंडी में गए थे तो ये चीज़ें लेके आए थे, ये ग्लास हैं स्टील के, बड़े काम आते हैं और ये वाले तो बहुत जल्दी टूटते हैं आपको पता ही है। और फिर अगर आपके घर में हैं मेड तो वो तो ज़्यादा ही तोड़ती हैं। बस जी खैर चीज़ें हैं तो टूटती भी हैं, ऐसे किचन साफ हो गया। अभी जी हमने चिकन को रोस्ट को कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया जी, पैदा ही इलाज है क्योंकि हमें कुकर की ज़रूरत थी दाल बनानी थी। ये जी अभी इसमें प्याज लहसुन और ऑयल वगैरह डाल लिया तो इसलिए हमने जी इसको स्टीम को इसमें रख दिया, बस ये इसका पानी खुश्क हो जाए तो ये रेडी है और फिर साथ में दाल भी रेडी हो जाए। ये हमारे रोस्ट और दाल की माश की दाल माशाल्लाह से इनकी फाइनल लुक और इनका कम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है जी, दाल और चिकन का ये बहुत ही नरम बनेगा चिकन, आप इस तरीके से बनाइए और खाइए जी। जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम।